हर भारतवासी की मुस्कान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। We extend a very warm and hearty welcome to our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. We also extend a warm welcome to the Honorable Minister of Human Resource Development, Sri Prakash Javlekar, और सभी माननीय सम्माननीय मंत्रीगण का हम हृदय से स्वागत करते हैं यहाँ मौजूद और देश भर से टीवी और नेट के जरिए। कॉन्फ्रेंस प्रकाश जावड़ेकर और जगदीश कौर प्रधानमंत्री हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीनियर मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, हर्षवर्धन जी, नड्डा जी, जितेंद्र सिंह जी, मेरे दोनों साथी सत्यपाल सिंह और सभी अभिभावक भी, क्योंकि घरों घरों में पेरेंट्स भी देख रहे हैं यह अद्भुत कार्यक्रम है। पहली दफा शायद कोई प्रधानमंत्री देश के में सामना करता हूं, वो सामना नहीं है, वो तो हम पेश आते हैं, चुनौती है तो उसको स्वीकार करके हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये सारा मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी से मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी केवल परीक्षा पर नहीं बोलते, प्रधानमंत्री जी इस बजट को अगर कोई देखे तो ये समझेंगे कि इनकी प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री जी का एक दृष्टि है, विजन है, एक मिशन है। क्योंकि देश अगर संबल करे मिलेगा, देश अगर ताकतवर बनेगा तो वो शस्त्र अस्त्रों से नहीं, वो शिक्षा से ही समृद्ध बनता है, शिक्षा से ही समर्थ बनता है, ये विश्वास है। और इसके लिए अच्छी शिक्षा सबको मिले ये उसका प्रेरणा है। और इसके लिए इस बार उनका जोर है केवल बिल्डिंगें बने, केवल बाकी सारी साधन सामग्री मिले, इसमें नहीं शिक्षा होती। शिक्षा अगर अच्छी मिलनी है तो शिक्षा के लिए आउटकम बेस्ड रिजल्ट आने चाहिए। और इसके लिए हमने लर्निंग आउटकम्स तैयार किए हैं। अभी पहली से आठवीं तक परीक्षा नहीं होती, तो उसके लिए पहली में, दूसरी में, गणित में, विज्ञान में, भाषा में क्या प्राप्ति होनी चाहिए, क्या छात्रों को समझना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसको अब लिपिबद्ध किया, टीचर्स का ट्रेनिंग किया है। और ये करके अब ये